जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम अगेन। इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है फास्ट ट्रैक का पूरा स्केड्यूल, पूरा एक प्लानर जो कि आपको मिलेगा फ्रॉम डे 1 to day 40। यानी कि हमने अपना फास्ट ट्रैक 40 डेज़ के ऊपर स्प्रेड कर दिया। आप दिसंबर में किसी भी टाइम पे ज्वाइन कर रहे हैं, आप जनवरी में किसी भी टाइम पे ज्वाइन कर रहे हैं, व्हाटसोएवर द डेट इज़, आपने उस डेट को लेके कभी भी परेशान नहीं होना। आप जिस दिन ज्वाइन कर रहे हैं, कंसिडर इट योर डे 1। और आप इसके आगे मैन्युअली लिख लें कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और डे 1 से लेके डे 40 तक फिर आप अपना प्लान बना सकते हैं। सर, इससे पिछली वीडियो में, इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पूरा आपको मैप दिया है कि बिजनेस लॉ का जो पूरा कोर्स है उसके अंदर एरियाज कितने कितने हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों ने इस मैप को कैसे बनाया है। सर, डे 1 वुड बी जस्ट ओरिएंटेशन, लेक्चर 1। इसमें एक वीडियो होगी जो कि इसी रूम में शूट हुई है, उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया है कि ये कोर्स है क्या, व्हाट इज़ कैप फॉर, और उसके साथ ये वाली वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। देन स्टार्टिंग फ्रॉम डे 2, चैप्टर 2 से हम लोगों ने स्टार्ट करना है और उसको 2 दिनों में वाइंड अप करना है, डे 2 पे और डे 3 पे। उसके बाद हमारे पास डे 4, डे 5 वुड बी स्पेंड ऑन चैप्टर 3, अ सिंगल डे, डे 6 ऑन चैप्टर 8, अ सिंगल डे ऑन चैप्टर 5। उसके बाद चैप्टर 9 के ऊपर भी एक दिन है, 4 के ऊपर हमारे 3 दिन है, इसी तरह 10 के ऊपर एक दिन है, 2 दिन 7 पे, 2 दिन 6 पे, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा जाके तकरीबन डे 17 के ऊपर। और वहाँ पे मैंने एक पूरा पेपर अपलोड किया है ऑटम 22 का, तो उसको आपने 2 दिनों पे स्प्रेड करके देखना। अगर आप एक दिन में पूरा वॉच नहीं कर सकते तो आप उसको 2 दिनों पे स्प्रेड कर सकते हैं। यानी कि सर, डे 18 तक आते आते आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पोर्शन हो गया ख़त्म। देन वी हैव अ कंप्लीट वीक ऑन पार्टनरशिप, डे 19 से लेकर डे 24 तक, चैप्टर 11। अच्छा, आगे यहाँ तक लिखा हुआ है कि आपने हर दिन लेक्चर नंबर कौन सा देखना है। तो अगर आप गौर करें, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, 4, 5, 6, फिर 7, 8, फिर 9, 10, 11, फिर 12 पूरा, 13, 14, फिर 15, फिर 16, 17, 18। तो किसी दिन 2 लेक्चर हैं, किसी दिन 3 और किसी दिन 1। ऑन एवरेज आपको पर डे 2 लेक्चर देखने की ज़रूरत है, तब जाके आप इसको 40 डेज के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। सर, मज़े की बात तो ये है कि ये कोर्स हमारा 34th डे पे पूरा हो जाएगा, यानी कि 34th डे विल बी द डे जब हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद का जो एक वीक है ये सेपरेट सेशंस हैं ऑन पास्ट पेपर्स, और ये भी अपलोडेड हैं आपके कोर्स के अंदर। तो किसी भी टाइम पे आपको कोर्स की एक्सेस मिल रही है, आपने अपने मुताबिक इस प्लानर को एडजस्ट कर लेना। बेशक आप दिसंबर में ज्वाइनिंग दे रहे हैं, बेशक आप जनवरी में आ रहे हैं, इवन अगर आप फरवरी में भी आ रहे हैं, तो आपको हम बताएंगे कि आपका क्या मेथड होना चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। सर, कहानी आप भी ख़त्म नहीं होती है। हमारे पास कुछ टेस्टिंग के लिए भी मटेरियल अवेलेबल है। सर, अगर आप गौर करें तो जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा इस स्केड्यूल के मुताबिक, तो साथ आपको एक टेस्ट मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हुआ डे 3 पे, तो डे 4 पे क्या है उसका टेस्ट, इसी तरह डे 6 पे क्या है, चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट। सर, कितने टेस्ट हैं हमारे पास? 14 टेस्ट और 15 मॉक। और सर, इन 14 टेस्ट के अंदर भी 3 हमारे पास मिड टर्म है। पहला हम लोग मिड टर्म करेंगे जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, और ये 100 नंबर का मिड टर्म होगा। उसके बाद हम मिड टर्म करेंगे सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप का, चैप्टर नंबर 11 से 13 तक। उसके बाद हम अपना तीसरा मिड टर्म करेंगे रिमेनिंग एरियाज़ का, यानी कि 14 to 18 और चैप्टर नंबर 1। तो 3 मिड टर्म्स यहाँ पे, चैप्टर वाइज भी टेस्ट है। तो सर, आप यूँ समझ लेंगे 11 टेस्ट चैप्टर वाइज हैं, 3 मिड टर्म हैं और 1 फुल लेंथ मॉक। फुल लेंथ मॉक भी 100 नंबर का, मिड टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वो भी 100 नंबर का, और मिड टर्म 2 और मिड टर्म 3 मिला के कोई 100-120 नंबर की टेस्टिंग होगी। तो सर, मेरा ख्याल से ये अराउंड 500-600 नंबर की टेस्टिंग है, शायद 600+ की टेस्टिंग है, जो कि हमने आपसे करनी है थ्रू आउट द सेशन।
सर कोर्स अवेलेबल है, टेस्टिंग अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट अवेलेबल है, अब बस हमें आपसे क्या चाहिए, एफर्ट। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप होंगे, मैं होऊंगा और आपके सवाल जवाब होंगे। इररिस्पेक्टिव, मैं बार बार कह रहा हूं, इररिस्पेक्टिव के आप किस दिन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप इसको वैसा ही फॉलो करें जिस तरह आज आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। अगर आप आज कोर्स बाय करते हैं तो टुडे विल बी योर डे वन। तो सर थैंक यू सो मच, ये स्केड्यूल आपको ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगा। ये सारे टेस्ट हम लोग जी ड्राइव में रख के इसका नॉलेज बैंक का एक फोल्डर बना के रख देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में। किसी भी टाइम आप चाहें आप वहाँ पे जाएं, पेपर डाउनलोड करें, सवाल अटैम्प्ट करें, हमें सबमिट कराएं, आपको चेक होकर मिल जाएगा। पूरी की पूरी किताब सॉफ्ट फॉर्म के अंदर अवेलेबल होगी। तो आई विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट। पूरे कोर्स में सर 70 के करीब लेक्चर हैं और शायद हम इसमें एक दो लेक्चर्स और ऐड करें जो कि नियर टू योर कोर्स एंड होंगे, जिसमें शायद हम लोग रिसेंट पेपर भी डिस्कस करके यहाँ पे डाल दें। तो इस वक्त ऑटम 22 का और स्प्रिंग 23 का पेपर अवेलेबल है। ऑटम 23 का पेपर एंड ऑनवर्ड्स हम इसमें साथ साथ अवेलेबल करते चले जाएंगे। तो आई विश यू अगेन ऑल द लक, ऑल द बेस्ट। आप लोग आएँ और इस कोर्स से फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू।